गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेहत टॉक्स। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान है और आप सेहत टॉक्स देख रहे हैं। अगर आपको मुस्तनद डॉक्टर से सही मालूमात की ज़रूरत है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने चाहने वालों में शेयर भी करें ताकि अच्छे मैसेजेस सब तक पहुँच सकें। आज की वीडियो का मौजू है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब डायबिटिस होने से पहले की एक कंडीशन। प्री डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लोगों को परेशान करते हैं, तो मैं आज अपने कुछ पेशेंट्स के तजुर्बे के हवाले से, पेशेंट्स से इंटरेक्शन के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आम तौर पे लोगों में पाई जाती है। प्री डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत की डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स इस टर्म को बहुत यूज़ करते हैं और अक्सर इसका नाम मीडिया में ही जीनत बनता है और लोगों को बताया जाता है कि जी आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ का ख़तरा हो सकता है या प्री डायबिटीज़ है आपको। अमूमन प्री डायबिटीज़ को ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहते हैं, इसको इंसुलिन सफिशेंसी भी कहते हैं, इसको इंसुलिन रेगुलेशन भी के डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्री डायबिटीज़ के हवाले से अमूमन होता ये है कि अगर किसी मरीज़ की शुगर एक सर्टेन लेवल जैसे कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा डिटेक्ट हो ब्लड में, ये जांची जाए, तो उस सूरत में ये ख़तरा होता है कि आपको डायबिटीज़ होने का चांस मौजूद है। इस वक्त उस मरीज़ को ये कहा जाता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है, यानी ना आप नॉर्मल हैं ना आपको डायबिटीज है, लेकिन एक बीच का सरहद का एक इलाका है जिसमें आपको शुगर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। इस हवाले से इस बीमारी को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। उसके लिए कुछ मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि ये मज़ीद पता लगाया जा सके कि आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में जब आप खाना लेते हैं तो आपका जिस्म उस शुगर को कैसे हैंडल करता है, उसको किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसको किस तरीके से हाजमा करता है, और फिर आपकी बॉडी क्या उस शुगर को हैंडल कर पाती है या नहीं कर पाती। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ के अंदर जो आपके लुबलुबे में से एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। हार्मोन उस केमिकल का नाम है जिसमें में एक किसी ग्लैंड से निकले या गदूद से निकले और वो खून के ज़रिए दूसरी जगह पे जाए और वहाँ जाके अपना असर करे, जैसे कि थायराइड गदूद होता है, जैसे कि लुबलुबे में इंसुलिन निकलती है। तो होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हाजमा होता है, हाजमा होने के बाद वो उसमें से सारी गज़ाइत जिगर में जाती है। जिगर में एक फैक्ट्री है जो कि उस खाने के जितने अज्जा हैं केमिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है, उससे वो ग्लूकोज बनाती है जो कि बॉडी का फ्यूल है, और वो ग्लूकोज खून में फेंकी जाती है और उस खून में मौजूद ग्लूकोज, जैसे कि आप टेस्ट करते हैं वो आप देखते हैं कि शुगर खून में बढ़ी हुई है या नॉर्मल है, वो शुगर ब्लड में मौजूद है। अब उस शुगर ने आपके तमाम सेल्स के अंदर जाना है जहाँ पर वो इस्तेमाल होगी बतौर फ्यूल। उस सेल्स के अंदर जाने के लिए एक गेट मौजूद है और इस गेट के दरबान का नाम है इंसुलिन। ये आम अल्फाज में समझने के लिए कि शुगर क्या बीमारी है, तो ये इंसुलिन की कमी की वजह से वो शुगर इस्तेमाल नहीं हो पाती आपके ब्लड में, वो ब्लड में बढ़ जाती है और आपके जो सेल्स हैं, जो खलियात हैं जिस्म के, तमाम खलियात जो हर ऑर्गन के अंदर, वो इसको इस्तेमाल करने के लिए शुगर जब उनको नहीं मिलती तो वो कमज़ोरी का शिकार होते हैं और उस वजह से आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं जो बाद में हम मुख्तलिफ डिस्कस करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले का जो अमल है उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये तो हो गई एक इनिशियल बात कि प्री डायबिटीज़ क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर। अच्छी खबर यह है कि आपको इस वक्त बीमारी नहीं है और आप में टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने या उसके होने में ताखीर पैदा करने के लिए बहुत सारी ऐसी काविशें हैं जो आप कर सकते हैं। आपका पहला सवाल ये हो सकता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि मैं यकीनी तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ बन जाऊँगा, या इसका मतलब है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ? यकीनन इनमें से कोई एक तो जवाब है, लेकिन ये है कि इस वक्त आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है। बहरहाल अगर आप कोशिश करना चाहते हैं और इससे बचना चाहते हैं तो आपको अभी से कोई एक्शन करने की ज़रूरत है।
अब डायबिटीज से पहले की अलामत क्या हैं, ये सवाल बनता है। इस बीमारी में कोई अलामत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 की कोई अलामत होने लगी हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बीमारी का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि ख़तरे के कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर सकते हैं और बीमारी की ताखीर से होने में मददगार बन सकते हैं। तो डायबिटीज़ के ख़तरे को बढ़ाने वाले अवामिल पर कुछ मालूमात अब आपसे मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम है कि आपको मालूम हो कि ऐसे क्या काम हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायबिटीज़ पकड़ सकती हैं, और अगर आप में कुछ ऐसे ख़तरे या अवामिल लागू हैं तो आपको टाइप 2 का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। तो डायबिटीज़ वाले 90% लोगों में डायबिटीज़ की किस्म 2 होती है, इन टाइप 2, और आमतौर पर 40 साल की ज़्यादा की उम्र में ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आ सकती है। इसकी अलामत वाज़े नहीं होती हैं, या इसमें कोई भी ऐसी हो सकता है कि अलामत ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो लिहाजा आपको इस बीमारी की मौजूदगी का इल्म हो सकता है कि 10 साल पहले तक बीमारी आपको हो और आपको मालूम ही ना हो सके कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। इसलिए डायबिटीज़ के ख़तरे को बढ़ाने वाले अवामिल को जानना बहुत ज़रूरी है। आपका ख़तरा उम्र के साथ साथ बढ़ता है, 40 बरस से ज़्यादा उम्र में इसका ख़तरा बढ़ता जाता है, और अगर आप अफ्रीकन, कैरेबियन या सियाफाम अफ्रीकी या फिर जनूबी एशियन बाशिंदे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 25 साल की उम्र के बाद भी इसका ख़तरा मौजूद हो सकता है। अगर आपके वालदैन, भाई बहन या डायबिटीज़ का शिकार आपका कोई बच्चा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का इम्कान 2 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जनूबी एशियन नजाद और अफ्रीकन, कैरेबियन या सियाफाम अफ्रीकी नस्ल के लोग, जैसे मैंने पहले बताया, उन सब में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का इम्कान 2 से 4 गुना तक ज़्यादा होता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून, अगर आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ज़्यादा ख़तरा है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका इजाफी वज़न है या पेट पर चर्बी ज़्यादा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये वो चंद अवामिल हैं जो कि आमतौर पर लोगों के अंदर मौजूद हैं, और वो ये समझ सकते हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है, और वो प्री डायबिटीज़ के लिए अपने आप को लाजमी तौर पर चेक करें। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको ये अवेयर कर सकें कि प्री डायबिटीज़ के हवाले से परेशान होने के बजाय उन अवामिल पे को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको डायबिटीज़ का ख़तरा, जिनकी वजह से बढ़ सकता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन ख़तरे के अवामिल को कम करने के लिए हम क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं और आगे एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का सबब बन सकते हैं। सलामत रहें और इसी तरीके से सेहत टॉक्स देखते रहें। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें ताकि गुड इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। Thank you.